और इस वक्त हमारे साथ स्वाति सिंह जुड़ गई हैं, दयाशंकर सिंह जी की पत्नी। स्वाति जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। और मेरा पहला सवाल यही है, जो कुछ बातें आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उनका यह कहना कि आपको आगे करके बीजेपी साजिश रच रही है। पहले मायावती जी इसका जवाब दें कि मुझे बीजेपी घसीट कर ले आई है इन सब चीजों में, या मुझे मायावती जी घसीट कर लाई हैं, उनके पार्टी के लोग घसीट कर लाए हैं? नहीं तो पहले बीजेपी तो वालों ने कहा था क्या कि दयाशंकर सिंह अपनी बेटी पेश करो, अपनी बीवी पेश करो, या फिर जी या फिर बसपा वालों ने कहा था? इसकी शुरुआत जो हुई, जो बातें कही आपके पति ने, क्या वो सही थी बातें? देखिए, वो जो भी बातें थी उनका पॉलिटिकल मामला था, उसमें मैं बार बार कहती हूँ मैं कोई कमेंट नहीं दूंगी। अब ऐसे भी वो चीजें कोर्ट में पहुंच गई हैं, जो भी डिसीजन लेना होगा वो कानून अपना लेगा। नहीं नहीं, लेकिन क्या किसी पॉलिटिकल मामले में किसी महिला को लेकर इस तरह की टिप्पणी की जा सकती है जो बातें कही दयाशंकर जी ने? देखिए, अगर मैंने पहले भी कहा था, पूरा वीडियो मैंने देखा नहीं है, वो सवाल मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, वो अगर एक पर्टिकुलर वर्ड है तो एक औरत के लिए मुझे पता नहीं किस कंडीशंस में उन्होंने बोला, तो ठीक है, शायद बोल सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको सही लगता है? आप भी एक महिला हैं। लेकिन मैं भी एक महिला हूं, लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं हूं। और जहां तक आप ये कह रहे हैं किसी भी कंडीशंस में, तो आपने जो आज से पहले जो भी सवाल, जो पॉलिटिशियंस आपस में जो गाली गलौज करते हैं, तो क्या आप उसका जवाब उनके घर वालों से मांगते हैं? पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या उनके घर वाले जवाब देते हैं कि जो उन्होंने बोला वो सही है कि गलत है? मायावती ये कह रही हैं, स्वाति जी, मायावती, और आप लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? मायावती ये कह रही हैं कि आपने क्यों नहीं माफी मांगी, आप माफी मांग लेती या फिर आपने मामला दर्ज करवाया तो अपने पति के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाना चाहिए था आपको। मायावती जी ने संसद में जो अपनी बातें बोली थी कि ये गाली उसकी माँ के लिए है, उसकी बहन के लिए है, उसकी बेटी के लिए है, तो क्या उनके इस कृत्य के लिए उनके पार्टी वालों ने, जो कि उनका परिवार है, माफी मांगा? पहले पूरे पार्टी वाले माफी मांगे, इसका मतलब मीडिया में आकर के पूरे पार्टी वाले, पूरे देश भर में जितने भी बसपा के लोग हैं, वो आके पहले माफी मांगे कि जो मायावती जी ने संसद में किया उसके लिए मैं माफी हम सब मांगते हैं, और मायावती जी भी माफी मांगे जो भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी या उनके पार्टी के जो लोगों ने किया वो उसके लिए पहले माफी मांगे, उसके बाद मुझसे वो लोग सवाल करेंगे। और सबके परिवार, जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी सब ले आए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो लोग भी अपने परिवार को ले आए, राजभर जी भी अपने परिवार वालों को ले आए, और मैं देखूंगी कि फिर कैसा लगता है। मैं उनसे भी पूछूंगी जो मुझे यहाँ पे आप लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व कर रहे हैं, बसपा वाले मुझे घसीट रहे हैं कि दीज आर ऑल पॉलिटिकल इश्यूज एंड ऑल, आई जस्ट वांट टू आस्क कि जस्ट कम अलॉन्ग विद योर फैमिली मेंबर्स एंड आई विल से ऑल दैट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड देन आई विल आस्क व्हाट यू पीपल फील, क्या फील कर रहे हो अभी तुम्हारी बेटी के लिए अगर बोला जा रहा है तो। नहीं, मायावती ने यह कहा है, स्वाति जी आपने भी सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कह रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गलत किया था, उन्होंने कहा कि पेश करो, यानी वो सामने आए तो हम उनसे पूछताछ करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस तरह की बात उन्होंने क्यों कही। तो क्या इतने दिन में नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनसे मिले ही नहीं कि अभी सामने आने का इंतजार कर रही हैं? मीटिंग का मतलब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है विदाउट एनी डिस्कशंस विद देयर मेंबर्स, विद देयर पार्टी मेंबर्स, शी हैज अरेंज्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मायावती ये भी कह रही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की साठगांठ है, इसीलिए आपके पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, मेरा सवाल आपसे यह है, मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कही है उसी से जुड़ा यह भी सवाल है मेरा आपसे। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की साठगांठ है, इसीलिए आपके पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। एक्चुअली क्या है, मायावती जी ये नहीं देख रही कि उन्होंने खुद कोई कार्यवाही, मायावती जी ने अगर ये कहा कि सपा और बीजेपी मिल गए हैं इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है दयाशंकर सिंह के खिलाफ, इसका मतलब अब मैं शायद ये काउंटर अटैक कर सकती हूँ कि सपा और बसपा वाले भी मिल गए हैं इसलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मायावती और उनके पार्टी के लोगों पर कार्यवाही नहीं हो रही है।